आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं। तो फिर ये जो हमारे पास कांटे वाला पाइप है ये टॉप पे लगेगा, इसके ऊपर के सेंटर में लगाएंगे। तो वीर आप ये हिस्सा देख सकते हैं पूरा, ये जो दीवार है हमारे पास 32 फीट की है पूरी, और हमने इस पर ग्रिलिंग करनी है 5.5 फीट की। आप देख सकते हैं हमने 5 इंच के होल कर दिए हैं इसके अंदर, और वन साइडेड होल हैं ये, और इसके अंदर हम कंक्रीट डाल लगा देंगे। 5 इंच का पाइप इसके अंदर जाएगा, मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। ये 5 इंच का इसके अंदर जाएगा और हम इसमें पूरा कंक्रीट फिल कर देंगे, जिससे ये इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि हमने ये जो पूरी साइड है आप इसको अगर देखेंगे तो हमने पूरा इसको छत का कवर करना है यहाँ से। ये पूरी ग्रिल रेडी हो रही है पाइप की। तो भैया मैं आपको इसका लास्ट में एस्टीमेट भी बताऊंगा कि कितना इसमें हमारा एस्टीमेट आया है बनाने में, और कौन से गेज का पाइप हमने यूज़ किया है। तो आज रात को हम ये पाइप इसमें लगा के हम इसको छोड़ देंगे सुबह तक सूखने के लिए, और बाकी काम इसमें हम कहीं कल किया जाएगा। और मैं आपको अगर होल दिखाऊँ, हमने होल कितने किए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर पूरे पूरे 10 होल किए हैं, और ये हमारे पास जो जगह है वो 32 फीट है पूरी, और 5 इंच डिप्थ का एक होल है, उसकी गहराई होल की 5 इंच है, चौड़ाई 4 इंच है, और विथ इसकी 3 इंच है। और आज हम इसमें कंक्रीट डाल के पाइप लगा के छोड़ देंगे सूखने के लिए। तो फिर ये जो हमारे पास पाइप है ये 18 गेज में है, और ये वॉल के ऊपर सीधा स्ट्रेट खड़ा होगा, और इसके ऊपर आधे का जो पाइप है एक बाय आधे का वो लगाएंगे हम। ये हमारे पास पाइप है आधा बाय एक के, जो हम इसके सेंटर में लगाएंगे। तो फिर आप ये देख सकते हैं हमने ये 5.5 फिट के जो पाइप हैं ये उठा के छोड़ दिए हैं, और आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं ये पूरा 10 हैं। आप अगर इसको देखेंगे तो ये सारे पाइप अलाइन हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लेवल देख के लगाए गए हैं ये। अभी हम टॉप पे जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे, आप ये देख सकते हैं। तो फिर हमने इसके अंदर 2 इंच की कील यूज़ की है, ये 2 इंच की कील है हमारे पास पूरी, और आप ये देखेंगे कि हमने ये किस तरह लगाई है। इसमें 2 इंच का गैप है, इसमें भी 2 इंच का गैप है, और ये जो 2 इंच का गैप है ये उस हिसाब से लगी हुई हैं। और अगर आप इसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे और ये 1x1 का पाइप है जिसमें हमने वेल्ड की है। फिर आप इसकी शक्ल देखेंगे तो काफ़ी खौफनाक आपको नज़र आएगी, आप देख सकते हैं। तो फिर आप ये देख सकते हैं इसमें अभी तक हमने 4 पाइप लगा दिए हैं, और 5-5 इंच के फासले से लगे हुए हैं ये पाइप, और आगे अभी इसके ऐड होगा। तो फिर आप देख सकते हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, इसके अंदर जो हमने पाइप लगाने थे हॉरिजॉन्टली वो हमने लगा दिए हैं, और अभी बस इसका काम पक्का करने का चल रहा है, ये पक्के हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा लुक आ रहा है, जब इस पर कलर होगा तो और अच्छा आएगा। रात में इसके ऊपर की कीलें इतनी वाजे नहीं हो रही, ऊपर इसमें कीलें लगी हुई हैं सारी। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त अभी वेल्डिंग इसमें चल रही है, क्योंकि अब ये प्रॉपर तरीके से पक्के हो रहे हैं, अभी ये पाइप कच्चे बैठे हुए थे।
व्यूअर फाइनली हमारी ग्रिल तैयार हो गई है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी जो हाइट है ये 5.5 फीट है और पूरी जो इसकी लंबाई है वो 32 फीट है पूरी। आप ये देखेंगे कि हमने इसके अंदर जो पाइप यूज़ किया है, ये जो पाइप है ये 18 गेज का है 1x1 में, और ये वाला जो पाइप है ये 1/2x1 है 20 गेज में। तो ओवरऑल अगर आप इसका लुक देखेंगे ग्रिल का हमारी, तो ये आप ये देख सकते हैं। ऊपर हमने इसमें कील लगाई हैं 2 इंच की और 2 साइड पे कील लगाई है, एक बिल्कुल ऊपर है और एक साइड में है। और आप इसको अगर साइड से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी। और ये जो पाइप हैं ये हमने इसके अंदर पूरे 6-6 इंच अंदर गए हैं और इसमें कॉन्क्रीट की हमने फिलिंग कर दी अच्छी तरह, और बाद में ये फिनिशिंग हो जाएगी। और साइड में भी हमने इसके अंदर एक कांटेदार पाइप लगाया है जिसके अंदर कीलें लगी हुई हैं, जिसमें भी 2 साइड पर कीलें हैं। और अगर आप इसका फ्रंट लुक देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो फिर बाहर से अगर हम बना रहे थे 60,000 इसके हम रेट मिले थे, और हमने ये जो पूरा तैयार किया है इसमें जो टोटल जो सामान आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 18,000 रुपये का सामान आया है जो इसके अंदर लगा हुआ है टोटल। ये 32x5.5 फीट की ग्रिल है पूरी। तो फिर आज तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।